हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के मिश्री। अभी आप सबसे ये नोट्स के साथ, जी हाँ, क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट विज्ञान का फिजिक्स है। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं पूरा नोट्स है, आपको पूरा मैंने लिखित नोट्स रखा है जो कि आपको अच्छे से समझाएंगे हम। आप बिल्कुल ना मिस करें इस वीडियो को। आप व्हाट्सएप नंबर कमेंट कीजिए, आपको व्हाट्सएप पर मैं सेंड कर दूंगा, नहीं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को फॉलो कीजिए यस के मिश्री से। टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएगा, टेलीग्राम पे इसका लिंक हम सेंड कर देंगे, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, विथ पीडीएफ। तो यहाँ पे आप हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का, वो है भौतिकी विज्ञान, पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लास 11th कक्षा ग्यारहवीं चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है, तो एनसीईआरटी का, इसमें पहले हम लोग जानते हैं विज्ञान, विज्ञान हमारा क्या होता है, फिर हम उसको डिस्कशन करेंगे आगे। तो विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान देखें तो विज्ञान दो भाषा विधन ज्ञान से मिलकर बना हुआ है। विज्ञान को इंग्लिश भाषा में कहते हैं साइंस, और साइंस का लैटिन भाषा में नाम होता है सीसिया या साइंटिया, और सीसिया साइंटिया मतलब क्या होता है, टू नो अर्थात जानना। अर्थात आप कह सकते हैं विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को, विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान को साइंस कहा जाता है, विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है, ठीक ना। साइंस शब्द की उत्पत्ति सीसिया साइंटिया शब्द से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के सीसिया या साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों टू नो अर्थात जानना होता है। तो विज्ञान दो शब्द विधन ज्ञान से मिलकर बना हुआ है। विज्ञान को इंग्लिश भाषा में साइंस कहते हैं, और साइंस का क्या होता है, सीसिया या साइंटिया लैटिन भाषा में, जिसका मतलब क्या होता है, टू नो अर्थात जानना होता है, ठीक है। परिभाषा देखें तो विशेष या विशिष्ट प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं किसी वस्तु को सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु को सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं, उसे विज्ञान कहा जाता है। मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और क्या होता है, तो मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी घटित हो रहे घटनाओं को, अगर उनका सुव्यवस्थित अध्ययन हम लोग करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को लैटिन भाषा में सीसिया साइंटिया कहते हैं, जैसा कि अब पता है। अब आता हम लोग का भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है देख लेते हैं। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश भाषा में फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स के पिता न्यूटन को माना जाता है। फिजिक्स के पिता किसको कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। फिजिक्स को ग्रीक भाषा में फिजिया या फ्यूसिस कहते हैं। फिजिक्स को ग्रीक भाषा में फिजिया या फ्यूसिस कहा जाता है। फिजिया या फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, यानी कि नेचर कहते हैं। तो फिजिया या फ्यूसिस का हम लोग ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, प्रकृति यानी कि नेचर कहा जाता है। परिभाषा देखें तो प्रकृति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उनके विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। प्रकृति विज्ञान की वह शाखा, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं उनके विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। सन 2005 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की स्मृति में न्यूटन को अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वस्तु घोषित किया गया। तो आ जाएगा कि न्यूटन को अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वस्तु कब घोषित किया गया था, तो वर्ष 2005 में, किसकी स्मृति में, आइंस्टीन की स्मृति में, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद आती है हमारी घटनाओं की व्याख्या करने की वैज्ञानिक विधियाँ। कोई भी घटना है उसको हम लोग व्याख्या करें तो कौन कौन सी वैज्ञानिक विधि हैं, तो बहुत सारी विधि हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कौन कौन सी विधि हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पहला जो है वह घटना के क्रमवार प्रेक्षण, पहला कौन सा विधि है, घटना के क्रमवार प्रेक्षण। दूसरा कौन सा है,
इन प्रेक्षणों पर आधारित सिद्धांत या परिकल्पनाएं। दूसरा हमारा क्या है, इन प्रेक्षणों पर आधारित सिद्धांत या परिकल्पनाएं। तीसरा क्या है, प्रस्तावित सिद्धांत के परिणाम तथा वास्तविक प्रेक्षणों की तुलना। तीसरा क्या है, प्रस्तावित सिद्धांत के परिणाम तथा वास्तविक प्रेक्षणों की तुलना। चौथा क्या है, यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावित सिद्धांत में सुधार। यदि आवश्यक हो तो जो प्रस्तावित सिद्धांत किए हों उसमें हम लोग क्या कर सके, सुधार कर सके। नोट पॉइंट में क्या है, यदि किसी भी प्राकृतिक घटना का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण चरण सत्य पर पहुंचाने वाला प्रेक्षण तथा उसकी क्या होती है, माप होती है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी प्राकृतिक घटना का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण चरण है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है कि सत्य पर पहुंचने वाला प्रेक्षण और उसकी क्या होता है, हमेशा और हमेशा माप होता है। अब आता है हमारा प्रेक्षण के प्रकार। तो प्रेक्षण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रेक्षण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण। पहला क्या होता है, व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण यानी सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो पहला हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण क्या होता है। तो जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होता है। व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण क्या होता है, जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न होता है उसे व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं। अगर आपका आ जाएगा व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण क्या होता है, तो जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षणों के लिए भिन्न भिन्न होता है उसे व्यक्तिनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए एक समान होता है उसे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं। जो प्रेक्षण भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए एक समान होता है उसे वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण कहते हैं। नोट में पहला यहाँ पे भौतिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण का विज्ञान होता है। जो भौतिक विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान जो होता है वो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षणों का विज्ञान होता है। तो भौतिक विज्ञान किसका विज्ञान होता है, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षणों का विज्ञान होता है। वास्तव में भौतिक विज्ञान मूल तथा उत्तेजक विज्ञान है। वास्तव में अगर भौतिक विज्ञान देखें तो कैसा विज्ञान है, तो वास्तव में भौतिक विज्ञान मूल तथा उत्तेजक विज्ञान होता है, जो सभी विज्ञान की शाखाओं का आधार होता है। जो किसके आधार होता है, तो जितनी भी विज्ञान की शाखाएं हैं उसकी आधार माना जाता है। वो क्या आधार माना जाता है, वो माना जाता है भौतिक विज्ञान। तो वास्तव में भौतिक विज्ञान मूल तथा उत्तेजक विज्ञान है, जो सभी विज्ञान की शाखाओं का आधार माना जाता है। भौतिक विज्ञान में विश्व की सभी अजीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में ये मत सोचिएगा जितने जीवित हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे, बल्कि भौतिक विज्ञान में सभी अजीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप फिजिक्स मैथ लेक्चरर को जरूर सब्सक्राइब करें, फिजिक्स मैथ लेक्चरर को जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आपको भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जितने क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक मिलते रहते, तो जाइए फिजिक्स मैथ लेक्चरर को सब्सक्राइब कीजिए अभी, ठीक है ना, जो जीवित प्राणियों के लिए क्या है, लाभदायक है। तो भौतिक विज्ञान में सभी अजीवित प्राणी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो जीवित प्राणियों के लिए क्या माना जाता है, बहुत ही लाभदायक माना जाता है। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजन। ये भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजन हमारा क्या होता है, तो भौतिक में अनेक प्रकार की भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी में अनेक प्रकार के भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के प्रयोजन को समझने के लिए इसके विभिन्न उपविधियों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। इसके विभिन्न उपविषयों पर या फिर उपविधियों पर दृष्टि डालना आवश्यक है, जो मूल रूप से इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। तो अगर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि भौतिकी का प्रयोजन या फिर उत्तेजन क्या होगा, तो आप लोग डायरेक्ट बताना है कि भौतिक में अनेक प्रकार की भौतिकी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और भौतिकी के प्रयोजन को समझने के लिए इसके विभिन्न उपविषयों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। मूल रूप से इसे दो भागों में बांटा गया है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म।
अब जानते हैं हम लोग स्थूल और सूक्ष्म हमारा क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग स्थूल के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग सूक्ष्म के बारे में देखेंगे। तो स्थूल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोली स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। स्थूल के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? तो स्थूल के अंतर्गत भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत पार्थिव तथा खगोली स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। फिर आता है सूक्ष्म। ये सूक्ष्म क्या होता है? तो सूक्ष्म जो होता है भौतिकी में परमाणविक, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। सूक्ष्म में हमारा क्या क्या होती है? तो सूक्ष्म में मेरे प्यारे दोस्तों इसमें भौतिकी के परमाणविक, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं सम्मिलित हैं। स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या के लिए चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा चिरसम्मत यांत्रिकी का प्रयोग करते हैं। जबकि सूक्ष्म परिघटनाओं के लिए क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है, जो कि चिरसम्मत यांत्रिकी के उपविषय निम्नलिखित हैं। अब इसके आगे मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है हम लोग अगले वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और हमारे इस YouTube चैनल, आपके इस YouTube चैनल SK मिश्री को जरूर सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।